पड़ोसी के पालतू कुत्ते को अपने दरवाजे के सामने शौच कराने से रोकने का अनुरोध एक महिला को भारी पड़ गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इससे भड़की उस शख्स ने अपना पालतू पिटबुल उस महिला पर छोड़ दिया, जिसने उसे 5 बार काट लिया। जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में रहने वाली महिला प्रिया देवी पिछले कुछ दिनों से देख रही थी कि एक आदमी अपने पिटबुल को उसके घर के सामने शौच करा रहा है। शुक्रवार की सुबह उसने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा कि वही आदमी अपने कुत्ते को उसके घर के सामने शौच करा रहा है। महिला तुरंत घर के बाहर निकली और उस आदमी को ऐसा करने से रोका, जिस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। पुलिस को रिया देवी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने उसे डराने के लिए उस पर कुत्ता छोड़ दिया, जिसने उसके हाथ और पैर सहित शरीर में 5 बार काट लिया। इसके बाद पड़ोसियों ने किसी तरह उस महिला को पिटबुल से बचाया। ये हमारे सामने जो पड़ोसी है ना, तो मैं कल हमारे गेट के सामने पोटी करवा रही थी उनकी लड़की, तो मैंने देखा उनको रोज उसे करवाती थी। तो सीसीटीवी कैमरा में कल मैंने चेक किया, उसे 3-4 इसके पहले भी बोला गया था, 3-4 दिन पहले, तो ये बोलती थी कि हमने नहीं करवाया। तो फिर कल पोटी जब किया तो कैमरा में देखा तो इनका ही डॉगी, मतलब ये इनकी बड़ी वाली लड़की खड़ा होकर करवा रही है। फिर मैं इनके घर पर जाके कुंडी पर जाके बोली कि आपका डॉगी कुत्ता जो है वो पोटी करके रोज मेरे गेट के सामने गंदगी फैला देता है, ये यहाँ से इसको अपना और कहीं जगह करवा लो, चाहे साफ करवा दो। तो उनकी लड़की बोली कि नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी साफ, ये गली पूरी मेरी है, ये मैं ऐसा ही करवाऊंगी, क्या कर लोगे आप बताओ। मैंने बोला कि इस तरह से किसी के गेट के सामने पोटी करवाना अच्छा नहीं हो, मतलब अच्छा किसी को नहीं लगेगा। इसमें क्या मैं गलत बोल दी कि पोटी गेट के सामने करवा रहे हो? तो जब मैंने बोला तो इसमें क्या गलत बोल दी कि इतनी बदतमीजी से उनकी लड़की, मतलब बदतमीजी। हाँ, क्या किया था, मतलब कुत्ता उनको दिखा है गोली में, कुत्ता काटा है कुत्ता। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर, उनके लड़का आया अंदर से निकल के, ये वो बोले कि क्या कह रही है। फिर मेरे को इतनी तेज से ये कंधा पकड़ के छाती को हाथ रख के धक्का बहुत तेज से दे दिया, फिर सीधे ऐसे गिर गई बिल्कुल पीछे की तरफ। फिर उनका कुत्ता भी मेरे ऊपर चढ़ गया, कुत्ता पूरा नोचने लगा मुझे, पूरा 4-5 जगह काट लिया। फिर उनके लड़के ने मेरे को मारा भी, मुक्का भी मारा, उसके बाद गर्दन को पेट को भी नोचा है, मारा है, बड़ी बुरी तरह से मेरे को घायल। कुत्ता है, कौन सा नस्ल का कुत्ता है ये? इनके पिटबुल है, पिटबुल है। हाँ, इन्होंने मतलब बिल्कुल छोड़ दिया, लोग बचा भी रहे थे कुत्ते को हटा रहे, लेकिन ये जो है कुत्ता बिल्कुल वापस फिर छोड़ दे रहे थे। इनको काट के कर रहे थे, इनको काटने तो जान से मरवा देने, कुत्ता से कटवा के इनका भरा वाला लड़का बोला। अभी ये फुटबॉल गली में है, बांध के ये बांध के नहीं रखते बिल्कुल ही, बिल्कुल इनका फुटबॉल खुला रहता है। कितना डर लग रहा है अभी? तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं नीचे नहीं जा रही डर के मारे कि फिर ऊपर निकल के बाहर ना आ जाए। अभी भी ऐसे ही घूम रहे, कोई गली के बच्चे कोई डर के मारे नहीं, सब अपने अपने बच्चे को घर में रखे, कोई नहीं भेज रहा। शिकायत मैंने कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिलहाल इस पिटबुल को लेकर गली में रहने वाले लोग बेहद ही डरे हुए हैं। फिलहाल स्वरूप नगर थाना पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।